इंडिया का डीएनए और राजनीति के मामा के बाद राजनीति के डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन, पहले सीधा सा सवाल, इंडिया का डीएनए क्या कहता है सर, इंडिया का पॉलिटिकल डीएनए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत जैसे महान देश में जन्म लेने का मौका मिला, जिसका डीएनए हर क्षेत्र में बहुत पावरफुल और बहुत ही पवित्र और बहुत ही सात्विक रहा है। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वैल्यू सिस्टम्स हो, आर्ट एंड कल्चर हो, स्कल्पचर हो, किस भी फील्ड की आप बात करिए, इंडिया का डीएनए, इंडिया का एंशंट विजडम, वो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहा है। हम भारत के लोग विश्व गुरु रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आपने पॉलिटिकल डीएनए की बात की है, तो शायद पॉलिटिकल डीएनए ओरिजिनल तो हमारा ये रहा है कि हमारे बारे में विदेशी लोग भी ये कहा करते थे कि भारत में किसी के ऊपर झूठ बोलने का भी अपराध नहीं लगा। ये हमारे देश का वैल्यू सिस्टम्स था। हमारे यहाँ पर लोग आते थे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ से शिक्षा और संस्कार लेके सारे दुनिया में भारत की सुगंध फैलाते थे। लेकिन पॉलिटिकल डीएनए शायद हमारा पिछले 7 दशक में उसमें बहुत ज़्यादा डीजनरेशन हुआ है। लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारे मूल्य जिसके ऊपर भारत के अंदर सार्वजनिक जीवन जो है उसकी नींव होती थी जी, उसको रीस्टोर करने के लिए 2014 में देवताओं की कृपा से 132 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, जो भारत के उस सात्विक डीएनए को रीस्टोर करने पर पूरे हृदय मन और आत्मा से लगा है। और आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में भारत दोबारा से वो विश्व गुरु वाली, वो महान डीएनए वाली ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, सार्वजनिक जीवन में भी करेगा, और पॉलिटिकल डीएनए के बारे में भी एक दिन भारत के दोबारा से सारे दुनिया के लोग कहेंगे कि जैसा पॉलिटिकल डीएनए भारत का है ऐसा डीएनए सारे विश्व का होना चाहिए। अच्छा, आपने इंडिया के पॉलिटिकल डीएनए की बात करी, लेकिन अगर मैं दिल्ली से रिलेटेड आपसे सवाल पूछूं, केजरीवाल का पॉलिटिकल डीएनए किस तरह का है? अभी उनका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने एक ट्वीट किया, आपको जानकारी होगी, मुझे नहीं पता क्या उन्होंने ट्वीट किया। एक तो राहुल गांधी ने मना कर दिया, मतलब नाना करते प्यार नहीं ही कर बैठे, नहीं हुआ गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। दूसरा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की गुप्त बैठक हुई है दिल्ली चुनावों को लेकर, ये ट्वीट किया उन्होंने। आप कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हो गया। सच बात तो यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में अभी तो कोई कमेंट करने का भी, सच बात यह है कि मन नहीं करता है, और हमें लगता है कि उनके बारे में कमेंट करने पे समय भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिस पवित्र आंदोलन से उनका जन्म हुआ था और जितनी पवित्रता से उन्होंने देश के अंदर मूल्यों की राजनीति में पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, आज मैं समझता हूँ कि शायद पूरे भारत की नहीं पूरी दुनिया की राजनीति के अंदर, अगर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अगर कोई वैल्यूज के डी जनरेशन के ऊपर जिसने सब योगदान किया होगा तो वो शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया होगा। और इस नाते अभी आप उनके ट्वीट की बात कर रहे हैं, ये वही मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के अंदर कहा करते थे कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बारे में कि वो दुनिया के सबसे भ्रष्ट नेता हैं, कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के लिए उन्होंने नई दिल्ली के पुलिस स्टेशन में जाके 400 पेज की एक कंप्लेंट दायर की थी, FIR की थी, और उसके बाद दिल्ली के अंदर ये कहा कि उसी भ्रष्ट कांग्रेस की अध्यक्षा शीला दीक्षित जी के सामने नाक रगड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, दिन रात कह रहे हैं कि मुझे आप साथ लेकर चुनाव लड़ लीजिए। उनको अपनी हार बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है। अब इस तरह की बातें उनकी, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर मूल्यों की राजनीति करती है। हमारा जन्म डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेताओं के आशीर्वाद से हुआ है। हमारे लिए जो है ये संभव नहीं है कि हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ बात करना तो बहुत दूर की बात है, हम उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन दिल्ली ने तो 67 सीटें दे दी थी, नंबर एक दिल्ली में 70 में से 67
जिनकी आप बात भी नहीं करना चाह रहे उनको दिल्ली ने सराखों पर बिठाया। देखिए नंबर एक, नंबर दो, गठबंधन नहीं हुआ फाइनली, राहुल गांधी ने मना कर दिया, तो ये तो आप तो राहत की सांस लेंगे। देखिए हमारी, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड 10 दिन 15 दिन पहले भी कहा है और बकायदा ऑफिशियली कहा कि गठबंधन हो गठबंधन ना हो, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर यह चाहता था कि इनका गठबंधन हो जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दोनों को मिलकर दिल्ली के अंदर जब मिलकर लड़ेंगे हमारे खिलाफ और जब हम उस समय इनको 7 सीटों पर हराएंगे तो उसके जो आनंद की अनुभूति होगी वो शायद अलग अलग हराने में नहीं होगी। उनका गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ है हमारे लिए ये नॉन इशू है, हमारे लिए केवल एक इशू है, हम भारत की जनता के बीच में, देश की राजधानी के लोगों के बीच में नरेंद्र मोदी जी के महान काम जो 5 साल में उन्होंने ऐतिहासिक असाधारण काम किए हैं उनके आधार पर जाएंगे, दिल्ली के अंदर अपने क्षेत्र में किए हुए कामों के आधार पर जाएंगे और हमें पूरी तरह से विश्वास है, 100% विश्वास है कि हमें 100% सफलता मिलेगी। तो क्या ये मैं भी चौकीदार वोट दिलाएगा, ये मैं भी चौकीदार कैंपेन? देखिए ये मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 14 में चाय वाला था, 19 में चौकीदार। देखिए ऐसा है कि ये तो टर्मिनोलॉजी आप को मैं समझता हूँ, अभी तो देश को मैं भी चौकीदार का कंसेप्ट प्रधानमंत्री जी ने भी समझा दिया, देश को भी समझ में आ गया, मुझे पता नहीं कि आपको अभी तक समझ में क्यों नहीं आया है। प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से अपील की तो करोड़ों लोगों ने 24 घंटे के अंदर अपने भारत के अंदर अपने ट्विटर के ऊपर अपने फेसबुक पे और ऊपर अपने नाम के आगे चौकीदार लगा दिया। प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले एक सपना देशवासियों के सामने रखा था न्यू इंडिया का, 2022 तक नया भारत बनाने का, और उन्होंने कहा कि हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो, हर बच्चे के लिए स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पर्याप्त पोषण की व्यवस्था हो, हर महिला के लिए उसकी सुरक्षा की व्यवस्था हो, हर बुजुर्ग के स्वाभिमान की व्यवस्था हो, देश के अंदर जो है आतंकवाद, अलगाववाद, माओवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, ये सारी चीज़ों से मुक्ति हो और केवल एक ही वाद हो, राष्ट्रवाद और मानवतावाद। और उस समय उन्होंने लोगों से कहा कि मेरे इस सपने को साकार करने के लिए हर भारतवासी भी मेरे सपने के साथ एक सपना जोड़कर वो जो है एक सपना देखे, और आज उसी सपने को देखने के लिए उन्होंने कहा कि अगर हमें वो महान भारत बनाना है जो हमारा अतीत का भारत है तो हर भारतवासी को चौकीदार बनना पड़ेगा, समाज के अंदर जहां भी है वहां की कुरीति, वहां की बुराई, वहां की खराबी, वहां की गंदगी, वहां की इनसैनिटरी कंडीशन, वहां का आतंकवाद, वहां का भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ आम आदमी को खड़ा होना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि देश के आज 132 करोड़ लोग इतने उत्साह के साथ उनके साथ खड़े हैं, तो मैं समझता हूं आपको अब तक तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि देश के अंदर क्या नतीजा आने वाला है। अच्छा, बतौर पर्यावरण मंत्री, बतौर विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री, आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से भी क्लियरेंसेस, अप्रूवल्स बहुत स्मूथ हुए हैं, ये भी आपको लगता है इस, ये भी विकास में योगदान देती है चीजें आपकी मिनिस्ट्री को रिलेटेड? देखिए क्या उपलब्धि रही, आपको सारे देश के लोग जानते हैं कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय का नाम 2014 से पहले एक विशेष नाम के साथ टैक्स जोड़कर जो है वो जाना जाता था। मुझे आज इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा पर्यावरण मंत्रालय, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर 100% से भी ज़्यादा कोई पारदर्शी का पैरामीटर होता है, दुनिया का सबसे बेस्ट जिसे कहते हैं रेयर सॉफ्टवेयर परिवेश, उसके माध्यम से हमारे यहाँ पर काम होता है, जो क्लियरेंसेस 600 दिन में होती थी वो आज 100 दिन के अंदर होती हैं, इतनी पारदर्शिता हमने लाकर दिखाई है। पेरिस के अंदर जो अभी COP21 हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्रंट से नेतृत्व प्रदान किया, वहाँ पर नए नए कंसेप्ट दिए, ये इंटरनेशनल सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मिशन इनोवेशन, ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी की कल्पना है। आज पर्यावरण के क्षेत्र में जो कुछ हमने किया है उसके कारण पर्यावरण का जो हाईएस्ट अवार्ड है पूरे संसार का, यूनाइटेड नेशंस का, उसको जिसे अर्थ केयर अवार्ड कहते हैं, उसको प्रधानमंत्री जी को यूनाइटेड नेशंस ने दिया। और जब प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं था, उन्होंने कहा कि मैं न्यूयॉर्क जाने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा कि मैं दिल्ली में आता हूँ, दिल्ली में आके आपको ये अवार्ड दूंगा। जितने पैरामीटर्स हैं पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिकॉर्ड होते हैं,
33 से 35 प्रतिशत हमने कहा कि हम 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस को रिडक्शन करेंगे 2005 के लेवल के मुकाबले। अभी हमने अपनी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जो 2018 में दी है सारे दुनिया को, तो केवल 14 तक के कैलकुलेशंस में हम 21 प्रतिशत जो है ऑलरेडी कम कर चुके हैं, जबकि हमें 21 से 25 प्रतिशत तक कम करना था 2020 तक। ये 2014 की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है, वो जो क्लीन एनर्जी से सारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 40 प्रतिशत हमें केवल क्लीन एनर्जी से 2030 तक उपलब्ध कराना था। आज मैं आपसे 2019 में बात कर रहा हूँ, 35 प्रतिशत हम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का भारत के अंदर हम प्रस्तुत कर चुके हैं। विंड एनर्जी के अंदर हम दुनिया के अंदर चौथे स्थान पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में आ गए हैं, सोलर एनर्जी में पांचवें स्थान पर आ गए हैं, क्लीन एनर्जी में पांचवें स्थान पर आ गए हैं, और जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं पर्यावरण के, और ग्रीन गुड डीड्स का ऐसा सोसाइटल मूवमेंट हमने भारत में शुरू किया है जिसको यूनाइटेड नेशंस अप्रिशिएट कर रहा है सारे दुनिया के अंदर। यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट प्रोग्राम चीफ एरिक सोलहेम ने सारे दुनिया के अंदर उसकी चर्चा की, ब्रिक्स नेशन ने उसको अडॉप्ट किया, उन्होंने कहा कि ये भारत में जो ग्रीन गुड डीड्स का आंदोलन चल रहा है इसको हम अगली रशिया की ब्राजील की मीटिंग के अंदर इसकी चर्चा करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि पर्यावरण के फ्रंट पर सारे दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, औपचारिक सराहना हो रही है, और ये कॉप की मीटिंग्स में, मिशन इनोवेशन की मीटिंग्स में, क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल्स में सारे दुनिया के देश जिसमें चीन जैसा देश भी शामिल है वो भारत की प्रशंसा करता है। डॉक्टर साहब, आपके मंत्रालय में आपने बहुत काम किया, वो आपने बताया लंबी लिस्ट है, वो मैंने भी पढ़ा, तभी मैंने आपसे क्लियरेंसेस को लेकर सवाल पूछा क्योंकि मेरे को भी पता लगा कि क्लियरेंसेस बहुत स्मूथ हुई हैं। काम आपने किया लेकिन वोट तो राष्ट्रवाद पर ही पड़ेगा ना, या राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द ही चुनाव होगा? देखिए, हर काम जो व्यक्ति करता है वो राष्ट्रवाद है। एक साधारण व्यक्ति भी अगर ईमानदारी से अपना छोटा सा जो कोई किसी ऑफिस के अंदर पीएन भी अगर दिन भर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता है वो भी राष्ट्रवाद का परिचायक होता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि आपकी राष्ट्रवाद की क्या डेफिनेशन है। जीवन में व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे, जीवन में केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सब लोग जीते हुए भी मृतक के समान हैं। तो जो भी व्यक्ति इस मानवतावादी दृष्टिकोण के हिसाब से ईमानदारी से कहीं पर भी काम करता है उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि शायद राष्ट्रवाद की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर समाज जीवन के क्षेत्र के लिए, हर समाज जीवन के व्यक्ति के लिए, और विशेषकर गरीब के लिए, मजदूर के लिए, मिशन के रूप में किए हैं, और आज उसका परिणाम यह है कि कोई भी प्रोग्राम जो उन्होंने लॉन्च किया है उसके हजार या लाख में नहीं, करोड़ों की तादाद के अंदर उसके लाभार्थी भारत के अंदर हैं। ये अभी जो आयुष्मान भारत का प्रोग्राम लॉन्च हुआ, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि ऐसे मरीजों से आप जाकर मिलो कि जिनको आयुष्मान भारत की योजना से लाभ मिला है, और उनसे जाकर पूछो कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि इस प्रोग्राम में अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो हम सुधार करें। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं दिल्ली से बाहर भी जाकर ऐसे मरीजों से मिला, क्योंकि दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को दिल्ली में केवल इसलिए लॉन्च नहीं किया, गरीबों को केवल इसलिए वंचित किया क्योंकि ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने वो वीडियोस जो है उनसे बातचीत के उनको ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया है, लोग आंखों में आंसू भरकर, जिसे कहते हैं कि फूट फूट कर रोते हुए महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, मुस्लिम भाइयों ने, मुस्लिम परिवार की महिलाओं ने, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी हमारे लिए जो है मसीहा है, नरेंद्र मोदी हमारे लिए भगवान है। इस प्रकार के पैरामीटर्स जो है प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किए। अब ये राष्ट्रवादी तो है, और इसको राष्ट्रवाद के अलावा क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद का जो मैं समझता हूँ पैरामीटर है उस पर नरेंद्र मोदी से बेहतर मैं नहीं समझता किसी ने इस भारत के अंदर काम किया है। ब्रांड मोदी 2014, ब्रांड मोदी 2019 और मजबूत हुआ है, या बालाकोट के बाद मजबूत हुआ है? बालाकोट से पहले थोड़ी ढलान थी, ब्रांड मोदी आपके हिसाब से मजबूत हुआ या थोड़ा? हमें पता नहीं कि ये ब्रांड क्या होता है। हम नरेंद्र मोदी जी को कम से कम 30-40 साल से एक समाज के साधारण कार्यकर्ता के रूप में देख रहे हैं। मैं उन्हें 30-40 साल से नजदीक से देख रहा हूँ, और
उनको दूर से मैंने चीफ मिनिस्टर के रूप में भी देखा है और अभी प्रधानमंत्री के रूप में बहुत नजदीक से 5 साल काम करते हुए देखा है। मेरे को तो इतना ही समझ में आया कि वो पूरी तरह से मानव कल्याण के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित हैं। वो वही कार्यकर्ता हैं जो 30-40 साल पहले होते थे और उसी कार्यकर्ता भाव से दिन रात परिश्रम करके बेजोड़ ईमानदारी से, सात्विक भाव से, निस्वार्थ भाव से, कमिटमेंट के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, विजन के साथ वो भारत के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ये ब्रांड क्या होता है मुझे नहीं पता, मेरे को तो इसकी भाषा समझ में नहीं आती है। सर 14 में ब्रांड मोदी दिखा था जब 80 में से 73 और तमाम राज्यों में क्लीन स्वीप हुआ था। बहरहाल मेरा सवाल आपसे ये है, केजरीवाल, मैं दिल्ली की पॉलिटिक्स में दोबारा रुक कर रहा हूं, फुल स्टेट होल्ड की मांग बार बार करते हैं केजरीवाल। वो कहते हैं पूर्ण राज्य का अगर दर्जा चाहिए तो मुझे जिताओ। वो कहते हैं कि दिल्ली के लोग अगर कानून व्यवस्था चाहते हैं बेहतर हो, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, फुल स्टेट हुड तो मुझे जिताओ, ये इनका पूरा नैरेटिव है कैंपेन का। फुल स्टेट हुड को लेकर, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए दो बातें समझ लीजिए। पहली बात तो केजरीवाल जी की अचानक अभी चुनाव के पहले नींद खुल गई और एक दिन नींद खुलते ही उनको ध्यान में आया कि दिल्ली में पूर्ण राज्य के दर्जे के बारे में बात करना शुरू करें। पूरे 4 साल में 70 पॉइंट का एजेंडा दिया था, एक एक पॉइंट के लिए समय दे तो मैं 70 के 70 पॉइंट बता सकता हूँ। एक भी विषय के ऊपर कोई भी काम नहीं किया, कोई भी वादा नहीं किया, वादा पूरा नहीं किया। 4 साल केवल प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को गाली देने के अंदर अपना समय व्यर्थ किया, अब अचानक पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात, पूर्ण राज्य का दर्जा, इसके लिए भारत की पूरी राजनीति के लंबे 70 साल के अंदर अगर किसी एक सरकार ने पूर्ण राज्य के लिए बिल बनाया पार्लियामेंट के अंदर तो वो हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बनाया और अडवाणी जी ने शायद अगस्त या सितंबर के महीने में 2003 में उसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया था। तब कई लोगों ने उसका विरोध किया तो उन्होंने उसको सेलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा, प्रणब मुखर्जी साहब उसके चेयरमैन थे, लेकिन जब तक अटल जी की सरकार रही वो उसकी रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए वो बिल लैप्स हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि पूर्ण राज्य का अगर दिल्ली को दर्जा देना हो तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन किए बगैर, उसके साथ सहमति किए बगैर, उसके साथ पैरामीटर्स तय किए बगैर क्या वो किया जा सकता है? और दिल्ली में अगर एक अराजक, जिसको मैं कहूं कि अर्बन नेक्सल की दूसरी अगर कोई परिभाषा हो सकती है, जो स्वयं इस बात में गर्व महसूस करता है, क्या दिल्ली के लोग भूल गए कि रिपब्लिक डे पर यही अरविंद केजरीवाल जो है रिपब्लिक डे की परेड को रोकने के लिए वहां पर इंडिया गेट पर धरने के लिए बैठ गए थे? क्या ऐसे अराजक, जो अपने आप को अराजक कहने में गर्व महसूस करता हो, क्या ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, फुल स्टेटहुड आप दे सकते हैं? वो तो कल कहेंगे कि जो है प्रधानमंत्री मतलब, जी का रास्ता रोक दो, अच्छा, राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति भवन से मैं निकलने नहीं दूंगा। अच्छा, मतलब इसलिए जब तक दिल्ली में ऐसी सरकार है जो अपने आप को अराजक कहने में गर्व महसूस करती हो, जिसका सारा व्यवहार ही अराजक हो, उसके साथ तो देना तो बहुत दूर की बात है, उसके साथ इसके बारे में चर्चा भी नहीं की जा सकती। मैं समझ गया, मतलब मुझे जो समझ में आया, जब तक दिल्ली में केजरीवाल है तब तक पूर्ण राज्य नहीं देंगे आप? नहीं नहीं, देखिए मैंने आपको विषय बड़ा स्पष्ट कर दिया। अगर हमारी पार्टी की कोई इसके बारे में सोच में कोई कमी होती तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इसके ऊपर बिल बनाकर क्यों पार्लियामेंट के अंदर लेकर आते? केजरीवाल से है दिक्कत, क्या है दिक्कत आप जो मर्जी समझिए, मैंने आपको विषय समझा दिया। आपने कहा कि जब तक ये अराजक मुख्यमंत्री है तब तक इनके हाथ में फुल स्टेट ऑर्डर नहीं दे सकते। उसको आप खुद सोचिए, दिल्ली इतना कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पार्लियामेंट है, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, यहाँ केंद्र के सारे मंत्री रहते हैं, यहाँ सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स आकर रहते हैं, यहाँ पर लाल किला है जहाँ प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करते हैं। क्या यहाँ की टोटल कानून व्यवस्था को बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी सहमति के, बिना किसी प्रकार का एक विजन बनाए, क्या उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? तो स्वाभाविक है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी चर्चाओं की जरूरत है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, बहुत सारे डिस्कशंस के बाद एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है। दिल्ली वालों को ये बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को हटाओ तब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। अब आप उसको कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ किसी भी अराजक नेतृत्व के प्रेजेंस में कोई दुनिया की गवर्नमेंट जो है उसके हाथ में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे सकती। ठीक है सर, 2013 में आप मुख्यमंत्री का चेहरा थे बीजेपी, 31 सीटें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनी थी, वापस
स्टेट पॉलिटिक्स में ही रहना चाहेंगे या फिर जाना चाहेंगे या फिर सेंटर में? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि लगभग 25 साल पहले 12 अक्टूबर 1993 को मैं सार्वजनिक जीवन में और राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के जॉइंट आदेश से मैंने प्रवेश किया था। उस दिन से लेकर आज के दिन तक ना मैंने कोई प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष ना कोई सटल तरीके से ना मेरी कोई इच्छा है ना मेरी कोई महत्वाकांक्षा है ना मेरा कोई पर्सनल एजेंडा है। मेरे लिए पार्टी जो भी जिम्मेदारी तय करे जिस भी रूप में वो मेरे लिए जो है सर्वमान्य है और उसके लिए मैं मेरा केवल एक ही प्रिंसिपल है कि जो भी काम जिस समय पे भी संगठन दे उसको पूर्ण ईमानदारी पूर्ण निष्ठा पूर्ण कमिटमेंट के साथ उसके ऊपर काम करो। इसके अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं है। इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब भी नहीं है क्योंकि मैंने आज तक अपने बारे में कोई भी निर्णय किया नहीं है ना सोचा है ना मेरा कोई एजेंडा है। आपने बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया था। आपके चेहरे पर दिल्ली बीजेपी में चुनाव लड़ी 2013 आपके नेतृत्व में, आपने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दी 31 सीट। तो आपकी रुचि दिल्ली में है क्योंकि आपके चेहरे पर बीजेपी को फायदा हुआ था। देखिए, आप मेरी बात समझिए, जब 2013 में मुझे पार्टी ने चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बनाया था तो वो भी मेरी इच्छा के कारण नहीं बनाया था, वो पार्टी का निर्णय था जो उन्होंने मुझे कहा और मैंने उसको चुनाव से 15 दिन पहले जो है उस निर्णय को स्वीकार किया और मैंने जो है उसके अनुरूप जो है चुनाव के अंदर मैं गया। 2014 के अंदर मुझे पार्टी ने कहा कि अभी आपको सांसद बनना है, सांसद बनने के लिए उन्होंने मुझे कहा कि आपको जाकर चांदनी चौक में कपिल सिब्बल साहब के खिलाफ लड़ना है। मैंने कहा पार्टी का निर्णय है, मुझे बिल्कुल सर माथे पर है। तो मैंने आपको जो बताने की कोशिश की कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने बारे में ना तो आज तक कोई निर्णय किया है और ना ही भविष्य में मैं करने वाला हूं। पार्टी जो भी मुझे कहे मेरे लिए जो है वो। एक आखिरी सवाल, जय जवान जय किसान उसके बाद जय विज्ञान भी देखा हमने अंतरिक्ष में, चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति, जय अनुसंधान कब होगा? देखिए, आपने ठीक कहा, बड़ी खुशी हुई मुझे ये आपने सवाल पूछा। हमारे महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये जय जवान और जय किसान का नारा देश के लोगों को दिया था। उसके बाद मैं हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में हमेशा प्रधानमंत्री अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे सबके हृदय सम्राट हैं, इतने आदरणीय हैं, उनका मैं हमेशा आभारी साइंटिफिक कम्युनिटी की समझता हूँ पूरे देश की तरफ से कि उन्होंने साइंस को एक प्रकार से बहुत बड़े सेंटर स्टेज पर लेकर वो आए। आप जानते हैं कि मार्च में वो 1998 में प्रधानमंत्री बने, 11 मई 1998 को उन्होंने पोखरण करके दिखा दिया, जो जज्बा था कवि हृदय का वो भी उन्होंने राष्ट्र धर्म का प्रदर्शित किया और फिर उन्होंने साइंस को फोकस करने के लिए इस नारे के साथ कहा कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान होना चाहिए। आज मैं साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस जय जवान जय किसान और उनके मेंटर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो जय विज्ञान जोड़ा था उसके साथ उन्होंने आज जय अनुसंधान जोड़ दिया और शायद आज 21वीं शताब्दी में जी अनुसंधान का जो महत्व है और जो इनोवेशन इकोसिस्टम के डेवलपमेंट का जो महत्व है और उसके कारण जो उन्होंने स्टार्टअप स्टैंडअप का प्रधानमंत्री जी ने मूवमेंट देश के अंदर दुनिया के लिए खड़ा किया, आज इसराइल में भी भारत के इनोवेशन मूवमेंट के बारे में, मैं इसराइल में गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में, तो रात को डिनर के ऊपर वहां के राष्ट्रपति ने थोड़ा दूरी पे बैठे थे किसी को इशारा करके बुलाया कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर को बुलाओ, साथ में मुझे बैठा लिया, बैठा के 10 मिनट वो नरेंद्र मोदी जी की भारत के इनोवेशन सिस्टम की भारत की साइंटिफिक प्रोग्रेस की इसकी जो है तारीफ करने लगे। तो ये जो जय अनुसंधान प्रधानमंत्री जी ने दिया है ये मैं समझता हूँ बहुत हिस्टोरिक है। अनुसंधान के अंदर हम लोगों ने कम से कम 3 गुना जो है अपना जो कमिटमेंट है फाइनेंशियल कमिटमेंट और हर तरह का कमिटमेंट उसको 3 गुना किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी विज्ञान के माध्यम से दुनिया का 2030 तक सेकंड थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन भारत को बनाना चाहते हैं जी। और मैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री के रूप में ये महसूस करता हूँ कि देश की 70 साल की हर अनसुलझी समस्या का समाधान विज्ञान के माध्यम से हो सकता है जी। विज्ञान का लाभ देश के आम जनता तक पहुंचे, गांवों तक पहुंचे, गरीबों तक पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है।
हम सबका कमिटमेंट है और हम इसके माध्यम से किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे और इसके लिए जय अनुसंधान होता रहेगा। बिल्कुल, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, और जय अनुसंधान, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में तो हमने छलांग लगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हर्षवर्धन, आपने समय निकाला सीनियर्स के लिए, और एक छोटा सा सोविनियर हमारी तरफ से। चाहूंगा जोरदार तालियां डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए। और हमारे अगले मेहमान मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच में आ चुके हैं, सेशन को कंडक्ट करेंगे मेरे सहयोगी मीमांसा।